चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं, तो उस वक्त आपको कौन सी बातें ध्यान में रखती है और वो मेडिसिन आपको कैसे सेवन करनी है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जिससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप मेडिसिन सेवन करते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो उसके बाद आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो है कि आपको कच्चा प्याज जो है वो नहीं लेना है, साथ ही में कच्चा लहसुन या फिर जो भी रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, कच्चे जो सलाड्स आप लेते हैं वो भी आपको नहीं लेने हैं, और लौंग या फिर तुलसी का जो सेवन है वो भी आपको नहीं करना है। यदि आप रॉ वेजिटेबल्स यानी कि कच्चे फल या फिर कच्चा जो भी सलाड्स होते हैं उसका सेवन कर लेते हैं, लौंग ले लेते हैं या फिर तुलसी का सेवन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक घंटे के बाद ही आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। और नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपके माउथ में, आपके मुंह में किसी चीज का स्मेल नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुछ वेजिटेबल्स या फिर और कुछ पदार्थ खा लेते हैं, जैसे कि लौंग या फिर तुलसी ले लेते हैं या फिर रॉ वेजिटेबल खा लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका जो टेस्ट होता है वो आपके माउथ में वैसे की वैसे ही रह जाता है, आपके मुंह में वैसे की वैसे ही रह जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो भी रॉ वेजिटेबल्स आप लेते हैं तो उसकी खुद की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, मेडिसिनल क्वालिटीज होती है। तो जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये स्मेल जो होता है, ये जो टेस्ट जो होती है उस रॉ वेजिटेबल्स की, तो वो क्या कर देता है कि आपके होम्योपैथिक मेडिसिन की जो भी क्वालिटी है उसको अल्टर कर देता है, आपके होम्योपैथिक मेडिसिन की क्वालिटी को कम कर देता है। तो इसके लिए जब भी आप मेडिसिन का सेवन करते हैं तो आपके मुंह में, आपके माउथ में जो भी स्मेल होता है, जब भी आपने कुछ खाना खाया है तो उसका स्मेल नहीं होना चाहिए, आपका मुंह जो है, आपका माउथ जो है वो फिर बिल्कुल भी स्मेल फ्री होना चाहिए। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो उस वक्त आपका मुंह जो है वो पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, बिकॉज ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नर्व एंडिंग पर काम करती है, जहां पर भी आपके नर्व्स होते हैं, नर्व का जो एंड होता है वहां पर भी ये मेडिसिन जो है ये काम करती है। और जब आप देखते हैं कि आपके टंग पर, आपके जुबान पर जो भी नर्व एंडिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसके वजह से जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपके मुंह जो है, आपका माउथ जो है वो पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, आपकी जुबान जो है वो पूरी तरीके से साफ होनी चाहिए, ताकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। और जो भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप जिस जगह पर भी रखते हैं तो उस जगह पर जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग प्रोडक्ट होते हैं तो उसको आपको दूर रखना है, यानी कि जहां पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन रखते हैं वहां पर कैम्फर होता है या फिर और भी कुछ चीजें होती है, कॉफी होती है, तो उसको बाजू में रखना है, ताकि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है तो उसकी क्वालिटी वैसे की वैसे ही मेंटेन रह सकेगी। और जब ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं तो उस वक्त आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद, ये मेडिसिन लेने के आधे घंटे पहले या फिर आधा घंटे बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है, इवन आपको पानी भी नहीं पीना है, तब भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अच्छी तरीके से एक्ट कर पाएगी, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। जब आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं तो उस वक्त आपके जो भी एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि टोबैको आप लेते हैं, तंबाकू खाते हैं या फिर स्मोकिंग सिगरेट पीते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये मेडिसिन उस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और ये मेडिसिन आप लेते हैं, जब भी आपके मुंह में ये मेडिसिन आप डालते हैं तो उस वक्त उस मेडिसिन को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब भी ये मेडिसिन आप डाइल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो उस वक्त आपको सकिंग प्रोसेस में ही ये मेडिसिन जो है ये लेनी है, या फिर आप ये मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं तो उस वक्त ये मेडिसिन आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में ही इस्तेमाल करना है, उस वक्त आपको कप ही इस्तेमाल करना है। मेटालिक जो यूटेंसिल्स रहते हैं, मेटालिक जो
डिशेस रहती है वो बिल्कुल भी आपको वहां पर इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये जो मेटालिक डिशेस होती है उसका होम्योपैथिक मेडिसिन पर एक्शन होता है और उस होम्योपैथिक मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो अल्टर हो जाती है। और जब आपको मल्टीपल मेडिसिन लेनी है, यानी कि आप दो या तीन से ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त ये जो मेडिसिन आप लेते हैं, एक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो दूसरे मेडिसिन के बीच में आपको 5 या 10 मिनट का गैप जो है वो मेंटेन करना है। और ये जो मेडिसिन है वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही स्टोर करना है, ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में या फिर ज्यादा हाई टेम्परेचर में ये मेडिसिन आपको स्टोर नहीं करनी है। जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है उधर ही ये मेडिसिन आपको स्टोर करनी है। नेक्स्ट थिंग आप याद रखेंगे कि जब आपको एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करना है, यानी कि अगर आपको बीपी या फिर डायबिटीज की तकलीफ है और उसकी मेडिसिन आपको चालू है, तो वो मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसके साथ ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपकी चालू है, तो जब आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद ही आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर आप पहले होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे और 1 घंटे के बाद ही एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में एटलीस्ट आपको 1 घंटे का गैप जो है वो मेंटेन करना है। जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं तो उस वक्त आपको कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीनी है, क्योंकि कॉफी का जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन की क्वालिटी को अल्टर कर देता है। और आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो वो मेडिसिन जो है वो बॉटल में अच्छी तरीके से टाइट कैप करके ही मेंटेन करनी है, टाइट कैप करके ही रखनी है, और ये मेडिसिन जो है वो अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर पर ही आपको स्टोर करनी है। तो जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तभी ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके शरीर पर अच्छी तरीके से काम कर पाएंगी और आपको जो भी रिजल्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलने हैं वो अच्छी तरीके से मिल पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए जो अभी होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, तो वो सेवन अच्छी तरीके से उनको करना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार रहेगा। इस वीडियो को आपके रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।